नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे ज़मीन के नक्शे के बारे में। बिहार में ज़मीन से जुड़े सबसे ज़्यादा मामले हैं, ऐसे में बिहार सरकार इन मामलों में कमी लाने को लेकर लगातार विचार कर रही है। इसी कड़ी में कई बड़े और कड़े निर्णय भी लिए गए हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने इसको लेकर अहम फैसला भी लिया है, जिसमें कि यह बताया जा रहा है कि अब आप अपने घर पर अपने ज़मीन का नक्शा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार पहला ऐसा राज्य बना है जो कि अपने गाँव और कस्बों में ऑनलाइन नक्शा पहुँचाने की व्यवस्था कर रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, उसमें ज़मीन से जुड़ा मामला सबसे ज़्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार लगातार ज़मीन से जुड़े नियमों को सरल बनाया जा रहा है, ताकि ज़मीन से जुड़े मामलों को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। पहले बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग में जाकर नक्शा लाना पड़ता था, लेकिन अब इसे डिजिटली या फिर आप कहें कि आप उसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में बिहार सर्वेक्षण कार्यालय में 1,35,865 नक्शा उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से मंगवा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया कि भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय बिहार पटना द्वारा राजस्व नक्शों को डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत एक अच्छी पहल के रूप में की गई है। इससे लोगों को बहुत ही आसानी से मदद मिल जाएगी, साथ ही लोगों को भूमि विवाद के निपटारे में भी आसानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस नई पहल से भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग पाएगी। बता दें कि यह नक्शा प्राप्त करने के लिए सभी प्रमुख बैंकों से इसको लिंक करवाया गया है, ताकि आसानी से भुगतान किया जा सके, यानी कि नक्शा लेने के लिए आप आसानी से पेमेंट कर सके। आइए अब जान लेते हैं कि यह नक्शा कैसे आप प्राप्त करेंगे। अपने घर पर नक्शा को मांग करने के लिए आपको निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर आपको डोर स्टेप डिलीवरी आइकॉन पर क्लिक करना होगा। यहां आने के बाद आपको आपके मोजे के नक्शे का ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। एक सीट के नक्शे के लिए आपको 280 रुपये देने होंगे। बता दें कि इसी पैसे से उस नक्शे का कंटेनर का शुल्क और डाक का खर्च भी जुड़ा रहेगा। बता दें कि एक बार में एक कंटेनर में 5 सीट का ऑर्डर आप कर सकते हैं। आपके पास जो नक्शा आएगा वह कूट के गोल और मजबूत डिब्बे में पैक होगा, जिससे बाद में डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको घर पे भेजा जाएगा। बताया तो यह भी जा रहा है कि बिहार में ज़मीन से जुड़े हुए मामलों को जल्द से समाप्त करने के लिए सरकार इस तरह की गतिविधियों पर ध्यान दे रही है। बता दें कि बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे कि आम लोगों के साथ साथ सरकारी ज़मीन का भी सही सही माप किया जा सके, उसका भी जानकारी जो है बिहार सरकार के पास हो सके और आपसी झगड़ों को दूर किया जा सके। बता दें कि बिहार में ज़मीन से जुड़े मामलों में भाई से भाई और देहादी के मामले सबसे ज़्यादा हैं, जिससे कि आपराधिक घटनाएं आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती है। तो ऐसे में अगर आपके ज़मीन का नक्शा नहीं है, तो आप जो है बिहार सरकार की सरकारी वेबसाइट पर जाकर आप उस नक्शे को मंगवा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।